ये रही निसान की न्यू गाड़ी, इसका नाम है निसान सकुरा। 2024 का ये मॉडल है, ये टोटली इलेक्ट्रिक कार है। ये निसान और मित्सुबिशी ने साथ में मिलकर बनाई है और इस गाड़ी के 15 किस्म के डिफरेंट कलर्स में ये गाड़ी अवेलेबल है। तो चले अभी आपको अंदर से गाड़ी दिखाते हैं। तो ये जी निसान सकुरा, ये इसका जो है इंटरनल इस तरह डिजाइन है। तो सिंपल सी गाड़ी है, सिंपल सा सादा सा लाइट सा मटेरियल है, कोई हैवी नहीं है। ये इसका गियर है तो काफ़ी जो है सिंपल इसका गियरिंग मैकेनिज्म है, ज़्यादा मोशन है ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक है, तो इजीली इसको गियरिंग को स्विच करना काफ़ी इसमें इजी है। और ये जिस तरह कपड़े का सा होता है उस तरह का सा मटेरियल है, तो सिंपल सा है। मतलब क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी को लाइट रखना है कि वो ज़्यादा फिर ड्यूरेशन दूर तक वो चल सके। तो ये बिल्कुल ऐसी 660 cc गाड़ियों का डिज़ाइन होते हैं, कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिस्टम नहीं लगा, हर चीज़ सिंपल सी है। अगर पीछे की बात करें तो पीछे भी ये है कि पीछे स्पेस ज़रा ज़्यादा है कम्पेयर टू 660 cc की गाड़ी है, यहाँ पे स्पेस ज़रा ज़्यादा है। और बात करें स्टीयरिंग की तो बहुत ही ज़्यादा सख्त, टोटली प्लास्टिक है, इसके ऊपर मतलब कोई सॉफ्ट सा कवर चढ़ाना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है ये जो है कुछ थोड़ा सॉफ्ट हो, अदरवाइज अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो काफ़ी जो है हार्ड है, बिल्कुल ही पत्थर है। अभी हम चलते हैं इसके पीछे सा कार्गो स्पेस देखते हैं कि पीछे इसमें स्पेस कितनी है, और ये भी पता करते हैं कि चार्ज कितनी देर में होती है और कितना किलोमीटर, ये भी हम देखते हैं कि इनसे पूछते हैं कि कितना चलती है एक फुल चार्ज पे। तो ये जी इसका पीछे से कार्गो स्पेस, तो नॉर्मल सा स्पेस है, मटेरियल भी जिस तरह नॉर्मल है खे गाड़ी का होता है। हाँ, यहाँ पर अगर देखा जाए इस जगह पर जो है स्पेस गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो बंदा काफ़ी अपनी टांगे वगैरह सीधी करके बैठ सकता है। तो ये इसमें खे गाड़ी से भी ज़्यादा, मतलब क्योंकि इसमें यह है कि आगे स्पेस काफ़ी है, इंजन नहीं है बैटरी से नीचे, तो वो उसका एडवांटेज है कि बैठने के लिए स्पेस कंफर्टेबल है। वही कार्गो स्पेस सही है, वही सेम है, लेकिन ये कि हम सीटों को अगर हम नीचे करके इसमें हम ज़्यादा स्पेस कर सकते हैं, तो दैट्स वेरी नाइस। तो ये है जी पूरे, और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें जो हमारी करेंसी में इसकी जो अमाउंट बनती है वो बनती है 43 लाख रुपीज़ बनती है, और एक बार फुली चार्ज करने पे 8 घंटे में चार्ज होती है। 8 घंटे चार्ज करने के बाद हम इसको तकरीबन 170 किलोमीटर का डिस्टेंस ये तय कर सकती है।